एक इंटरटेनिंग फिल्म में क्या चाहिए होता है? एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कहानी और अच्छे एक्टर। भोला में वो सब कुछ है जो कि एक मास फिल्म में चाहिए होता है, और इसकी यही खूबी इसकी सारी खामी की भरपाई कर देता है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भोला मूवी को, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है धमाकेदार एक्शन से, जहां एसीपी डायना कोकीन से लदे ट्रक का पीछा कर रही है। अपनी जाबाजी का परिचय देते हुए गोली खाने के बावजूद वह 1000 करोड़ का कोकीन जब्त कर लेती है, और जो 7 लोग कोकीन से लदे इस ट्रक को लेकर जा रहे थे, डायना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि आज से पहले इतना ज्यादा कोकीन किसी ने भी नहीं जब्त किया था। और जब्त किए गए कोकीन को डायना लालगंज पुलिस थाने के खुफिया बंकर में छिपा देती है, और उस बंकर के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, क्योंकि ये ब्रिटिश का जमाने का जेल है। और जिन 7 लोगों को डायना ने गिरफ्तार किए हैं, उन्हें भी वो लालगंज पुलिस थाने में ही बंद करवा देती है। अब अगले सीन में लखनऊ के जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कैदी रिहा हो रहा था, और उस कैदी का नाम है भोला। दरअसल भोला 10 सालों के बाद जेल से रिहा हो रहा है। वैसे तो उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे बर्ताव के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया जा रहा है। अब अगले सीन में अश्वत्थामा उर्फ आंसू को दिखाया जाता है, और जो 1000 करोड़ का कोकीन जब्त हुआ है, वो किसी और का नहीं बल्कि आंसू के लोगों का ही है। और ये बात जब आंसू को मालूम चलती है, तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। आंसू ये बात अपने भाई निठारी को बताता है, जिसके बाद निठारी और आंसू अपने कोकीन के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। और निठारी और आंसू के पास गैंगस्टर की पूरी फौज है, वो आराम से पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। तब वो उन्हीं गैंगस्टर और अपने कुछ खबरियों की मदद से अपने कोकीन के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। और खबरी सिर्फ आंसू और निठारी के ही नहीं है, बल्कि एसीपी डायना का भी है। दरअसल रौनक नाम का एक अंडरकवर एजेंट निठारी और आंसू के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है, और रौनक सारी इन्फॉर्मेशन डायना को बताता है। हालांकि आंसू के अपने गैंग के ऊपर शक है कि उनके बीच में कोई गद्दार है, जिसके बाद डायना अपने बॉस के पास जाती है, जहां पर डायना का बॉस उसे सलाह देता है कि जब तक अदालत माल की कस्टडी नहीं लेती है, तब तक ये जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान थे कि उन्हीं की फोर्स में मौजूद भेड़िया सारी जानकारी नशीले माल की तस्करी करने वाले माफिया गिरोह आंसू और निठारी को दे रहा है, और उस पुलिस फोर्स के गद्दार को पुलिस फोर्स के बारे में सारी जानकारियां हैं, और वो आंसू को ये सारी जानकारियां दे देता है। और वो उससे डील करता है कि 1000 करोड़ के कोकीन के बदले में वो उसे 50 करोड़ रुपए देगा, और जिन ऑफिसरों ने कोकीन से लदे ट्रक को जब्त किया है, वो उन्हें भी उनके हवाले करेगा। अब अगले सीन में लालगंज पुलिस थाना दिखाया जाता है, जहां पर 55 साल का अंगद यादव नाम का एक पुलिस कांस्टेबल आता है। दरअसल अंगद यादव का ट्रांसफर हो चुका है, और उसका ट्रांसफर लालगंज पुलिस थाने में ही हुआ है, और आज उसकी ज्वाइनिंग है। और लालगंज पुलिस थाने में सिर्फ 4 कांस्टेबल थे, और साथ ही यहां पर 4 स्टूडेंट भी थे, जो कि रात को अपने दोस्त का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी लाउड स्पीकर के साथ। तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद लखनऊ के अनाथ आश्रम में हमें ज्योति नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल आज उससे कहा गया है कि कल सुबह उससे कोई मिलने के लिए आएगा, जो कि उसका एकदम खास है, लेकिन ज्योति का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो वो सोचती है कि आखिर उससे कौन मिलने के लिए आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना के बॉस का आज आखिरी दिन था। दरअसल आज उनका रिटायरमेंट है, इसलिए वो सारे ऑफिसरों को शराब पिला रहे होते हैं, लेकिन डायना को छोड़कर सभी लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। दरअसल डायना को कंधे पर गोली लगी हुई थी, और उसने मेडिसिन वगैरह खाई हुई थी, इसलिए वो शराब नहीं पीती है। लेकिन यहाँ पर शराब पीते ही कुछ मिनटों में ही सारे ऑफिसर अचानक से बेहोश हो जाते हैं। डायना को अचानक से ये सब कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। धीरे से उसे समझ आता है कि शायद शराब पीने की वजह से उनका ये हाल हुआ है, और शराब में जरूर किसी ने कुछ मिलाया है, क्योंकि उसने ही सिर्फ शराब नहीं पी थी। तो अब इन सारे पुलिस वालों को किसी भी हालत में हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन उसके कंधे में गोली लगी हुई थी, इसलिए वो तो ट्रक नहीं चला सकती थी। और डायना के अलावा यहाँ पर कुछ खाना बनाने वाले लोग थे, और साथ ही रिहा हुआ एक कैदी भी था, जिसका नाम भोला है। और जब डायना खाना बनाने वाले लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें ट्रक चलाना आता है, तो वो मना करते हैं। और यहाँ पर जब भोला से पूछा जाता है, तो वो हाँ तो कहता है, लेकिन वो साथ ही उससे ये भी कहता है कि वो आज ही रहा हुआ है, और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है, जिसे कि उसने कभी भी नहीं देखा है, और वो नहीं चाहता कि वो और किसी मुश्किल में पड़े। जिस पर कि डायना उससे कहती है कि तुम्हारी इस छोटी सी मुश्किल की वजह से 40 घर के बच्चे अनाथ हो सकते हैं, और इन सारे ऑफिसर्स को 5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, तो ये 40 के 40 ऑफिसर मारे जाएंगे। डायना की ये सारी बात सुनने के बाद भोला डायना की बात मान जाता है, जिसके बाद सारे 40 ऑफिसरों को ट्रक के अंदर डाल दिया जाता है, और खाना बनाने वाला करची नाम का आदमी उनकी मदद भी करता है। साथ ही वो सारे रूट जानता था, इसलिए उसे भी वो लोग अपने साथ ले जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आंसू प्लान बना रहा होता है कि वो 40 ऑफिसरों को किसी भी हालत में मारना है, क्योंकि आंसू की ही ये सारी प्लानिंग थी, और उनकी शराब में उसी ने ही नशीले पदार्थ मिलवाए थे, जो कि हमारे देश में पूरी तरह से बैन है। ये बात जब रौनक को मालूम चलती है, तो वो तुरंत ही डायना मैडम के पास कॉल लगाता है, और ये सारी बातें बताता है। रौनक डायना मैडम को बताता है कि जब आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे, तो आप हाईवे से नहीं जाइएगा, क्योंकि आंसू आपके ऊपर अटैक करवाने वाला है। लेकिन उसी ट्रक के
अंदर 40 ऑफिसरों में एक ऑफिसर ऐसा भी था जिसने की शराब नहीं पी थी, जो कि आंसू के साथ मिला हुआ है और वो अपनी लोकेशन आंसू के पास शेयर कर देता है। और लोकेशन मिलते ही आंसू तुरंत ही शहर के सारे गैंगस्टरों को बुला लेता है। वो उनके सामने ढेर सारा पैसा रखता है और उन सभी के सामने एक एग्रीमेंट के रूप में वीडियो बनवाता है। वो उनसे कहता है कि जो भी उन 40 लोगों को मारेगा उन्हें 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो भी डायना मैडम को मारेगा उन्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ रौनक ने डायना मैडम को बता दिया था कि आंसू को लालगंज पुलिस थाने के बारे में पता चल गया है कि माल वहीं पर है, इसलिए यहाँ पर डायना मैडम तुरंत ही लालगंज पुलिस थाने में कॉल लगाती है और वहाँ के कांस्टेबल से कहती है कि अपने आजू बाजू के पुलिस स्टेशन के सारी पुलिस फोर्स को बुला लो और अपने पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद वो पुलिस कांस्टेबल पूरी तरह से डर जाता है और वो अपने साथ के 3 कांस्टेबल के साथ इस पुलिस स्टेशन से रफू चक्कर हो जाता है। तो अब इसे पुलिस स्टेशन में सिर्फ अंगद यादव और वो 4 स्टूडेंट बचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद डायना मैडम फिर से कॉल लगाती है लेकिन कॉल कोई भी नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर के बाद अंगद यादव कॉल उठाता है और वो उन्हें बताता है कि इस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं बचा है मेरे अलावा। और साथ ही अंगद यादव यहाँ पर डायना मैडम को सब कुछ बता देता है कि आज ही उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, जिस पर कि डायना मैडम उससे कहती है कि उसकी अभी से ज्वाइनिंग हो चुकी है और वो उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, तो मैं तुरंत ही अभी के अभी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने हैं। यहाँ लखनऊ के अनाथ आश्रम में ज्योति को किसी तरह से अपने पिता का नंबर मिल जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये आदमी कौन है, बस उसे मालूम था कि ये आदमी उसे मिलने के लिए आ रहा है और ये उसका नंबर है, इसलिए वो कॉल लगाती है और यहाँ पर भोला उससे बात करता है। लेकिन भोला जब उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से कुछ बाइकर्स यहाँ पर आते हैं और वो लोग भोला के ट्रक पर हमला कर देते हैं और उसके पूरे के पूरे ट्रक को आग लगा देते हैं। यहाँ पर वो कई सारे बाइकर्स थे जो कि उसके ट्रक का पीछा भी कर रहे थे, लेकिन तभी बहादुरी के साथ भोला बाहर आता है और उन बाइकर्स का सामना करता है। वो एक एक करके उन सारे बाइकर्स को मजा चखाना शुरू करता है और सभी को मार गिराता है, जिसके बाद वो लोग फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे बढ़ने के बाद कुछ चैन से बंधे कुछ ट्रैक्टर्स उनके सामने आ जाते हैं और वो भोला के ट्रक को रोक लेते हैं। जैसे उसका ट्रक रुकता है तो भोला के ट्रक के पीछे एक नहीं बल्कि 2 गैंग आमने सामने हो जाती है। दोनों गैंग चाह रही है कि वो 40 लोग हमें मिले और डायना मैडम भी। तब दोनों गैंग समझौता करती है कि वो लोग 20-20 लोगों को मारेंगे और सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़े आगे बढ़ने के बाद उनका सामना होता है भोला से और भोला उन्हें ऐसा मजा चखाता है कि वो लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि भोला उन्हें सिर्फ मार नहीं रहा था बल्कि भोला उन्हें जान से मार रहा था। और डायना मैडम भी भोला का साथ दे रही थी, जो भी ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता डायना मैडम उन्हें गोली मार देती। और यहाँ पर आंसू को मालूम चल गया था कि लालगंज पुलिस थाने में उनका माल है, इसलिए वो सारे गैंगस्टर को लेकर लालगंज पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट है और अगर 5 मिनट के अंदर वो लोग बाहर नहीं आए तो वो इस पूरे के पूरे जेल को जला देंगे। तो जेल के बाहर जो भी हो रहा था अंगद यादव ये सारी बातें डायना मैडम को बताता है। डायना मैडम यहाँ पर उनसे कहती है कि जेल में ही उनके 7 लोग बंद है, उनसे मेरी बात कराओ। और जब यहाँ पर डायना मैडम की बात उनसे कराई जाती है तो डायना मैडम उनसे कहती है कि उनका माल उनके पास नहीं है। वो लोग आंसू से कहते हैं कि हम तुम्हारे 7 लोगों को छोड़ रहे हैं। आंसू तो यहाँ पर अपने माल के लिए आया था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि उन 7 लोगों में उसका बड़ा भाई भी है तो वो इस डील के लिए तुरंत ही मान जाता है। तब ये लोग लॉकअप का गेट और पुलिस स्टेशन का गेट दोनों ही खोलने लगते हैं, लेकिन आगे इन्हें थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि उन 7 लोगों में से एक आदमी दरअसल में आंसू का भाई है, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और अगर वो बाहर आ गया तो वो इन सभी लोगों को मार देगा। इसलिए डायना मैडम तुरंत ही गेट बंद करने को कहती है और ये लोग ऐसा ही करते हैं। तब ये लोग जल्दी से लॉकअप का गेट और पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर देते हैं। तब आंसू का भाई लॉकअप की खिड़की से बाहर चिल्लाने लगता है कि उनका पूरा का पूरा माल इसी जेल में है, लेकिन यहाँ पर आंसू ठीक से नहीं सुन पा रहा था इसलिए वो खिड़की के पास आता है और यहाँ पर अंगद यादव भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो उसे बोलते हुए नहीं रोक पा रहा था। तब यहाँ के स्टूडेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है और जो लाउड स्पीकर पुलिस वालों ने जब्त किए थे वो आंसू के भाई की लॉकअप के बाहर रख देता है और उन्हें जोर जोर से बजाने लगता है, जिससे कि आंसू के भाई की आवाज बाहर तक नहीं जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद आंसू किसी तरह से पेड़ के सहारे उस जेल के ऊपर चढ़ जाता है और किसी तरह से वो अंदर भी पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने भाई से मिलता है और यहां पर उसका भाई आंसू से कहता है कि हम इस पूरे के पूरे जेल को जला डालेंगे। आंसू भी यहां पर उनसे कहता है कि वो बस चाबी लेकर आ रहा है, जिसके बाद वो सभी को आजाद कर देगा, जिसके बाद वो उन सभी लोगों के पास जाता है और आंसू उनसे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग किसी तरह से आंसू को बंदी बना लेते हैं, वो लोग उसके हाथ और पैर को बांध देते हैं और वहाँ भोला जंग जीत चुका था। वो लोग हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 घंटा ही बाकी था, इसलिए वो लोग एक महाकाल की मूर्ति के पास बैठे हुए थे और यहीं पर डॉक्टर और एम्बुलेंस आने वाली थी,
क्योंकि एक घंटे के अंदर उनका इलाज भी करना था, इसलिए वो लोग यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर भोला के साथ करची भी बैठा हुआ था और वो यहाँ पर भोला से उसकी पास्ट की स्टोरी पूछता है, जिस पर कि भोला उसे बताता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। भोला यहाँ पर करची को अपनी पूरी की पूरी लव स्टोरी सुनाता है और वो उससे कहता है कि एक आदमी के वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो। और जेल में उसे मालूम चला था कि उसकी जिंदगी तो चली गई, लेकिन उसने अपनी एक छोटी सी जिंदगी एक अनाथ आश्रम में छोड़ गई। और यहाँ लालगंज पुलिस थाने में चेतन अपनी एक दोस्त से बात कर रहा होता है, तभी अचानक से आंसू के लोग खिड़की से उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। और ये सब देखकर अंगद यादव का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो यहाँ पर एक हथौड़े से आंसू की जान ले लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एम्बुलेंस आ चुकी थी और वो सारे पुलिस वालों को यहाँ से ले जा लेती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आंसू का भाई आ जाता है, वो भी ढेर सारे गैंगस्टरों के साथ। वो यहाँ पर आते ही भोला को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर डायना मैडम को भी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रौनक आ जाता है, क्योंकि डायना मैडम का कॉल नहीं लग रहा था और उसे मालूम चल गया था कि वो लोग मूर्ति के पास है। यहाँ पर वो आ जाता है और रौनक के बारे में यहाँ पर आंसू के भाई को मालूम चल गया था कि वो गद्दार है। तब आंसू का भाई रौनक को बेरहमी से मार देता है। और जब ये लोग डायना मैडम को यहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी भोला जाग जाता है और वो यहाँ पर सभी लोगों को चुन चुन के मारना शुरू कर देता है। यहीं पर एक त्रिशूल भी था, उस त्रिशूल की मदद से वो यहाँ पर सभी को मार डालता है। तो ये जंग जीतने के बाद भोला तुरंत ही लालगंज पुलिस थाने की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जब यहाँ पर आंसू का भाई निठारी से मिला था तो आंसू ने उन्हें मोबाइल दे दिया था और उन्होंने सारे बड़े बड़े गैंगस्टरों के पास कॉल लगा दिया था और ये कहा था कि उन्हें एक जेल को उड़ाना है और सभी को लालगंज पुलिस थाने बुला लिया था। यहाँ भोला, डायना मैडम और करची लालगंज पुलिस थाने पहुंच चुके थे। डायना मैडम तुरंत ही उस बनकर में जाती है और उस खुफिया बनकर में वो 1,000 करोड़ के कोकीन को जलाकर राख कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ भोला तुरंत ही अंगद यादव और स्टूडेंट के पास जाता है, उन्हें वो सही सलामत उस जेल से बाहर निकलवाता है और उस खुफिया बंकर में उसे एक मशीन गन भी मिलती है और उस मशीन गन को चलाना वो जब शुरू करता है तो यहाँ पर वो जेल के बाहर तबाही मचाना शुरू कर देता है और शहर के सैकड़ों गैंगस्टरों की लाशें बिछा देता है। भोला इन सभी को मारने के बाद सबसे पहले वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, उसकी बेटी का नाम ज्योति है। ज्योति यहाँ पर जब अपने पिता को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ज्योति ने आज से पहले अपने पिता को कभी भी नहीं देखा था, उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसके पिता भी हैं। और फिल्म के लास्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी शिप को दिखाया जाता है जिसमें कि ढेर सारे विलन्स थे और यहीं पर हमें इनका बॉस दिखाया जाता है, जिसका रोल प्ले किया है अभिषेक बच्चन ने। और अभिषेक बच्चन को बताया जाता है कि भोला भी जिंदा है। तो दोस्तों, निर्देशक के रूप में अजय देवगन पहले ही सीन में धुआंधार एक्शन दृश्यों से फील का टोन सेट कर देते हैं। कहानी एक रात की है और काली अंधेरी रात में एक्शन की तीव्रता और ज्यादा महसूस होती है और फिल्म के एक्शन सारे के सारे फ्रेश है। फिल्म में 5-7 मिनट का एक चेजिंग सीक्वेंस भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है, मगर इमोशन के स्तर पर फिल्म 19 साबित होती है। मूल फिल्म कैथी में एक्शन के साथ साथ इमोशन का भी खूबसूरत बैलेंस था। एक्शन से भरपूर फिल्मों में फाइट या मारधाड़ का तर्क मिलना मुश्किल है कि कैसे एक अकेला नायक एक साथ 30-40 लोगों का कचूमर निकालने में कामयाब रहता है, मगर भोला में उस एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है वो सिनेमा लवर के लिए विजुअल ट्रीट साबित होता है। और भोला के फ्लैशबैक के ट्रीट के कुछ सवालों के जवाब बाकी रह जाते हैं, मगर एक रात की कहानी को कैमरे में दिखाने का काम फिल्म के सिनेमाटोग्राफर असीम बजाज ने बहुत ही चतुराई से किया है। कैमरा एंगल्स में भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई क्लोजअप शॉट्स और एक्शन सीक्वेंस को स्क्रीन पर दिखाना ट्रीट जैसा साबित होता है। और अजय देवगन की फिल्म भोला तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है, ऐसे में फिल्म की कहानी कैथी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन पैन इंडिया ऑडियंस की पसंद को दिमाग में रखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म में मनोरंजन का तड़का लगाते हुए कई बदलाव किए हैं। अजय देवगन ने फिल्म में शामिल एक्शन को बिल्कुल नए अंदाज में पर्दे पर पेश किया है। आजकल फिल्मों में हॉलीवुड या साउथ से प्रेरित एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अजय देवगन के डायरेक्ट और डिजाइन किए हुए एक्शन सीन्स बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। और अजय देवगन कमाल है, ऐसा नहीं है कि वो हर सीन में अपनी हीरोगिरी ही दिखाते हैं, जहां उन्हें अंडर प्ले करना होता है वो करते हैं और यही उनकी खूबी है। अपनी बेटी से बात करते हुए जो इमोशन उनके चेहरे पर आते हैं वो आपकी आंखों में आंसू ले आते हैं। एक्शन सीन्स में वो इतने गजब के लगे हैं कि आप तालियां बजा उठेंगे। तब्बू इस फिल्म की जान है। पुलिस अफसर के किरदार में तब्बू इतनी फिट लगती है कि लगता ही नहीं कि ये एक्टर है बल्कि पुलिस ऑफिसर ही लगती है। और फिल्म पहले ही सीन में आपको बांध लेती है और फिल्म हीरो अजय देवगन से नहीं बल्कि तब्बू से शुरू होती है। शायद यही अजय देवगन की खासियत है कि उन्होंने हीरो होने के बावजूद हीरो वाली एंट्री हीरोइन को दी और हर सीन में जबरदस्ती की हीरोगिरी नहीं दिखाई। एक सीन है जहां अजय देवगन अपनी बेटी से फोन पर बात करते हैं और वो बात नहीं हो पाती, ये सीन आपको आंखें नम कर देती है। फिल्म में कई जगह सीटियां तालियां वाले मोमेंट्स आते हैं और सेकंड हाफ में भी फिल्म अच्छी पेस से आगे बढ़ती है। गाने फिल्म की कहानी को आगे ले जाते हैं और बोर नहीं करते हैं। एक्शन जबरदस्त है, कई सीन आपको हैरान कर देते हैं। ये एक ऐसा मसाला है जहां दर्शक खूब इंजॉय करेंगे। और फिल्म को अजय देवगन ने खुद डायरेक्ट किया है और इसके लिए अजय की तारीफ करनी होगी। वो जितने अच्छे एक्टर है उतने ही अच्छे डायरेक्टर
डायरेक्टर भी साबित हो रहे हैं। कहां किससे कितना काम करवाना है और कहां खुद को कितना फुटेज देना है, ये अजय बखूबी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ही डायरेक्टर है, खुद हीरो है तो हर सीन में खुद को फिट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अजय ने चुन चुन कर अच्छे एक्टर भी कास्ट किए हैं। तबुआ किरदार तो कई बार उन पर भी भारी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ लगता है कि अजय ने एक्टर की बजाय डायरेक्टर होने का फर्ज ज्यादा अच्छे से निभाया है। इसके लिए उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे और फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी अजय देवगन ने संभाली है। ऐसे वक्त में जहां लोगों का वर्ल्ड सिनेमा के प्रति एक्सपीरियंस बढ़ा है, वहां साउथ की मशहूर फिल्म कैथी की रीमेक कर लोगों के बीच उसे रेलिवेंट बनाए रखना अजय के लिए बेशक चुनौती भरा रहा होगा। फिल्म एंटरटेनमेंट का हर वो डोज है जिसकी ख्वाहिश एक सिनेमा लवर को होती है। हालांकि कौन सा डोज किस मात्रा में देना है, इसके बैलेंस में अजय की चूक नजर आती है। नतीजन फिल्म इमोशन से हटकर एक एक्शन ड्रामा तक सीमित होकर रह जाती है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की अतिरिक्त से भी अतिरिक्त भरमार है। वही कहती फिल्म की खासियत यह थी कि वो इमोशनली अपने दर्शकों को कनेक्ट करके रखती है। एक अकेले भोला का 100 से भी ज्यादा गुंडों से भिड़ना थोड़ा लॉजिक से परे लगता है, लेकिन तर्क यह भी है कि अगर यही काम साउथ की फिल्मों में हो तो सीटियों और तालियों बजने लगती है। भाई हम बॉलीवुड फिल्मों को लेकर थोड़े ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं और अजय देवगन अपनी फिल्मों में कैमरा एंगल के साथ बहुत खेल करते हैं। यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया। आप सोचेंगे ऐसे भी कैमरा एंगल हो सकते हैं, सोचिए जिन्होंने एक जगह कैमरे को दाई और टेढ़ा नहीं किया बल्कि पूरा 90 डिग्री फ्लिप भी कर दिया है। एक जगह ट्रक की स्टेयरिंग के नीचे कैमरा लगाना और ऑब्जेक्ट को फॉलो करवाना वाकई काबिले तारीफ है। और अजय देवगन ने सिर्फ एक्शन फ्रंट पर ही नहीं बल्कि नॉर्मल एक्टिंग में भी बढ़िया काम किया है। एक इमोशन सीन है, वहाँ उनका किरदार भोला अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है। उससे पहले उनके चेहरे पर झिझक रहती है, प्रेम भी है और नर्वसनेस भी। उनके पास वहाँ लाउड होने का ऑप्शन था पर वो अंडरटोन रहकर ही कमाल दिखते हैं। तबू के लिए IPS डायना का किरदार बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि वो ठीक ऐसे ही किरदार दृश्यम और कुत्ते में भी निभा चुकी है। एक नंबर काम है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भोला एक एक्शन फिल्म है और कहती भी एक एक्शन फिल्म है, लेकिन भोला में आपको जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। अच्छी बात ये है कि इन एक्शन सीन्स को कहती के साथ कॉपी नहीं किया है बल्कि एकदम फ्रेश एक्शन है। दिक्कत ये है कि कुछ समय बाद भोला का एक्शन फिजिक्स के सिद्धांतों के विपरीत हो जाता है, तब फिल्म देख रही पब्लिक की हंसी छूट जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब अजय देवगन दुश्मनों को चेज कर रहे होते हैं और लगातार 5 मिनट सिर्फ मारधाड़ उठा पटक हवा में लाते चल रही होती है। इसके बाद जब अजय देवगन त्रिशूल उठाकर गुंडों से लड़ते हैं तो वो मूवमेंट रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। तो दोस्तों फिल्म में भोला पार्ट 2 के आने की तरफ इशारा किया गया है। फिल्म के लास्ट में पब्लिक को इसका क्लू मिलता है जिसे जानने के बाद लोगों में एक्साइटमेंट आ जाती है और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।